えっ

श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम् भुजे गेन्द्र सदा बस हृदया हर बिंदे भव भवानी सहित नी भव भवानी सहित नमा से बोले लखन से राम चंद्र की जय दो मिनट भगवान नाम उच्चारण कर लेते हैं <coughs> राम तुम बड़े दयालु हो प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो और ना कोई हमारा है हमें एक तेरा सहारा है कि डोल रही मेरी प्रभु जी तुम करो नब देरी राम तुम बड़े दयालु हो जी तुम बड़े दयालु हो तेरा यश गाया बे ने पार नहीं पाया बे दोने गाया बेदोने पार नहीं पाया बेदों ने राम तुम बड़े दयालु हो प्रभु जी तुम बड़े दयालु हो प्रेम से बोले लखन से राम चंद्र की जय श्रवण समीप भयो भय के सा मन हो जरथ पन यह उपदेशा राय सुभा मुकुर कर लिन्ह बदन बिलो की मुकुट समकि आज चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथे अपन दरबार में बैठे हुए हैं दरबार में बैठे बैठे अचानक एक दर्पण ल अपन सामने में रखी हे और चेहरा है हेतु तो देखे लगेन अच्छा आप देखिए ये दर्पण शब्द के अर्थ दर्प न दर्प माने घमंड अहंकार आदमी मां की मैं इगो अंग्रेजी में यू वो कि मैं कुछ हूं मैं बड़ा हूं तो दर्पण के सामने वो है मैं बड़ा हूं ऐसे कहे बात नहीं तय जो उन्हें तेला देखा तो आदमी लग कि मैं कुछ ज्यादा है इसे करके सोचे बात नहीं वास्तविकता ल ही दर्पण है बताते माने होते घमंड नहीं करना चाहिए आदमी लग कि मैं ऐसा हूं बलवान हूं पहलवान हूं गुणवान हूं इस दर्पण दरपण तल बता दे थे तो तल बताई से एक चीज आप देखी आऊ बदन बिलो की मुकुट सम किन्ना चेहरा ल देख करके राजा दशरथ थे ते मुकुट ल सम करे लेकिन व्यवहार है सम नहीं है ये बड़ा विडंबना है कि राजा दशरथ धर मधुर अगुण निधि ज्ञानी हृदय भगति महति सारंग पानी अत धर्म धुरंधर ज्ञानी हो के बाद अपन जीवन में दशरथ जी है संभव नहीं रख पाते मुकुट सम जरूर करी जैसे एक दूठी उदाहरण देख लो संभाव कैसे अब गुरु महाराज कहते जा खीर लग खबा दे तोर तो तीनों रानी एक बराबर है सम भाव रखते तैतीस तैतीस परसेंट देते एक झंडला लाधा ढार के दे आधल फिर भाग कर एक ल चरण नील दे दे फिर चार आना बाग में करत फिर ये तमाशा है मुकुट आपने जरूर सम किया है लेकिन व्यवहार सम नहीं है राजन आओ देखा विश्वामित्र महाराज जाते राम लक्ष्मण ल मांगे बत कथे सुन गुरु महाराज कही सब सूत प्रिय मोहि प्राण राम देत नहीं बने गोसाई सबे प्रिय कथे लेकिन राम देत नहीं बने राम मानी ज्यादा चाहत चाहते कि मतलब कम चाह व्यवहार घला में तो थोड़ा समता दिखना चाहिए ये प्रकार से आप देखिया पत्नी घला देखिया तो हम जरूर कथन की कौशल्या है और एला राम के राज्याभिषेक के समाचार दे कई नहीं दे काब नहीं दे बोला भूल बताना ऋषि तो मैं बाद में बताऊं कि धरे ऋषि वो ल थरा पोल पट्टी पाथे तो कहते भय पाक दिन सजत मतलब कैसे बताए तोला कैसे नहीं बताए तो यहाँ भी देखिया समता के अभाव है प्रजा मन में देखिया तो कहा थे कई कई तय फोकन भाई काब नाराज होते सक अमर उहा बपुरे ना मकोड़ा मानत है कोई महत्व नहीं आओ लोकन ठीक कीड़ा वो मानत है अच्छा ये प्रकार से देखिया राजा दशरथ के कई थी आप देखा मोरे भरत राम दुई आखी सत्य कहो करी शंकर साखी तो राजा भी से करा था और दोनों तो राखी बरोबर है तो भरतोल बला ले संकट यही हो नहीं मिला है दशरथ जी के व्यवहार में समता दिखाई नहीं दे एक विडम्बना है अतिक गुणवान हो के बाद भी धर्म धुरंधर हो बाद। गुरु महाराज हैं ता जब राज्य भी से जब पुत्र निहोरी से तो गुरु गृह गए तुरंत मिपाला चरण लाग कर विनय विशाला गोड़ ल छुक पा पड़ा हो गए तो आने व्यवहार है आप देखिय नामकरण करी से तो आने व्यवहार और राम ल राजगद्दी बैठाने गुरु महाराज ल लात समझा दे सब मन में अंतर है माने सम भाव नहीं है मुकुट सम जरूर किए लेकिन व्यवहार में समता के अभाव है खैर ये विशेषता है ऐसे आप देखा तो दीन मान हुआ थे तो रामचंद्र राम रामचंद्र मुख चंद्र निहारी मो राम है चंद्रमा है। और रात हुआ कई कई चंद्रमा जान मोर स्वभाव बरु मनु चंद चकुर वार दिन मान ये चंद्रमा हो गए रात वो चंद्रमा ये वो तो जीवन में कुछ दिखाई देते मैं मही जा आप देखा दर्पण देखिस बराबर तो करीस तो देखीस कुछ बाल है सफेद दिखाई तो बाल है जब सफेद दिखीस ना तो कही नरे या उपदेशा अब मैं सियान हो गए बुढ़वा हो गए रिटायर हो के लायक हो गए हैं तो निश्चित ही अब ये जिम्मेदारी है तो तुम सौंपे जा है स्वे तो श्वेतो सब भलो हो, स्वेतो हो, भलो न केस संसार में सब चीज के सफेद है बढ़िया माने गए केवल एक केश के सफेद अच्छा नहीं माने गए श्वेतो भलो न केस काब अच्छा जी का मिनरम है न रिपुदर है न आदर करे न न स्त्री के आकर्षण रहे अब डोकरा हो गए न रिपू डर है तोर दुश्मन बुढ़वा हो गए केवल तो जवान मोहारे भी तब हो तो नहीं दे रहा है तो न कामनी रमाए और न रिपू डर है और न आदर करे नरेश अब अचानक गांव कुछ बैठक वो थे एस डी एम साहब तहसीलदार को या कोई आए बड़े अधिकारी बहरे तो समाज में कहते बैठ जाओ उधर बैठो तो राजा है अधिकारी हला मना दे माने आदर नहीं करे इज्जत जायज बहे तो दशरथ जी कहे नहीं अब कहीं ना बेला दूसर सौंप दिए जाए अब आप देखिय राजा दशरथ सो ये समस्या है कैसे सौंप दे बे गुरु महाराज वशिष्ठ के संग राजा कैके के, के पास गए रहे दशरथ जी प्रस्ताव कि भाई तुर कन्या दे दे वाह रे बाबू कही तुर कह घर वाली आऊ अपन बेटी ले दैसे में पुत्री के पुत्र हो राज्य गद्दी का अधिकारी हो तो दशरथ जी है तो कही ठीक लिख दे थे निष्ताम्प लिख दे थे अगवाही गुरु महाराज वशिष्ठ अब स्टाम्प लिख के आगे है कि कई कई का ही पुत्र भरत बैठे। अब आप देखा आज ये प्रस्ताव लेके जाते राम ले जो राज बना। तो एक प्रकार से है उचित नहीं काव प्रस्ताव रखा थे बार धर्म धुरधर गुण निधि ज्ञानी है वो ती लिखा पढ़ी करके आज स्तंप देखा सुरतनी का हावा है। लेकिन आप देखा माता कहके लड़का मन रोज खेले खुलावे में मन राम लक्ष्मण भरत वो बड़ा बारीकी से अध्ययन करे तो सब लड़का के खेल कूद हो मारपीट दौड़ी दौड़ा होवा तो माता केवल राम के खेल न देखे न बड़ा प्रसन्न रहे वाह कहे बेटा ई हरे रे और भरत के क्रियाकलाप से बिल्कुल तनिक भी संतुष्ट नहीं रही यह संत वृत्ति करी से बचपन ले सात्विक विचारधारा आने भाई मन मार के गिरा के दिन तब जाके बदल नहीं फिर फिर जाके खड़ा और लेकर आंधी चापट मार गिरे गुराए लाग तबो नहीं बोला माता कही 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 बड़ा मरना है मोर मोरलिका कही अयोध्या के राज्य के अधिकारी होने वाला है यह अतिक गुर गुरा है पोलियो ड्राफ पिए ऐसे मन में सोचे मोर लड़का भले लेकिन गद्दी में बैठा रहे लायक नहीं है बैठावे ते संभाले नहीं सकते तो निर्णय कैसे ली जब विश्वामित्र महाराज राम लक्ष्मण ल मांग के जब लेगी ना तो एक ही बाण प्राण हल निन तारकल जब देखी एक बाण मार समाचार माता कई कई मिली दस हजार हाथी के बल रही से ताड़का कोई सकबे नहीं करे भारी आतंकवादियों सामा बिन लादेन लोग पारे तो कहीं दस हजार के हाथी के बल है कोई मुकाबला नहीं कर सके लेकिन वाह बेटा राम कही पुत्र इसने हो रहे कही जो अपने माता पिता के नाम रोशन करे एक बाण में मा मार दी बड़ा गदगद गर्ण दूसरा घटना हुई मारित एक बाण में मा मारित तो सौ योजन दूर फेंका गए सतयोजन का सागर पारा हेर भारी गदगद गद बेटा रे कमाल कर दे रे लेकिन भगवान राम जो भरे सभा में राजा मन के बीच में जब धनुष तोड़ दी बाहर कही माता पिता के नाम लिश्विख्यात कर दे सब जगह हम के नाम यश कीर्ति गुंजे लागी बेटा हो तो इसने हो, तो वैसने हो तो राजा दशरथ ल खुद बला के कहें राजन कही रा� अब राज्य भी से भी भी गुर गुर एक युवराज पद में बैठा रही ना मोर लईकल जहन बैठा रहा ये पानी ये नहीं संभाले सके शत्रु को झापड़ मार के लुठा दी तब कुछ नहीं कहे पुत्र तो राम जैसे होना चाहिए शांति के साहर हर जगह में वो फिर ता राम लदे देव मोर बेटा की जगह मा दशरथ जी पूछिस का सो तोर बाबू जी आही था तलेवन में उ तिल बनाल समझा दा। आज दशरथ जी महाराज हे हिम्मत करके गुरु महाराज के पास गईन हे अ करके कहा थे कहई बुआल सुनिय मुनि भये राम ता बोल नाथ राम करी हही युवराज कही कृपा करी करी समाज महाराज मोर राम ल युवराज बना देवा अब बताओ जल्दी तैयारी कर लिए जाए एक चीज आप देखा अब गुरु महाराज कहत हो ठीक है तय आए ना और वो तील को ओके सर्टिफिकेट मिल गया है राजा कैके से या कैके ही दे दा रहे है तो अब खतरा है तो तय बिल्कुल तैयारी कर सकता है तो ही जल्दी कर विलंबन कर कुछ देरी करे की जरूरत नहीं है ओके सर्टिफिकेट प्राप्त है अब तय कार्यक्रम शुरू कर लेकिन एक चीज देखा ये मेरे ठेऊ मर्यादा के कन विरुद्ध हुआ थे का विधव होते बताए गए हैं अपूज्याम य पूज्यन्ते व्यती क्रम त्रीणी तत्र भविष्य दुर्भिक्षम व्यथा जो में पूज्य आदमीले छोड़ के आदरणील छोड़ करके अपूज्य के पूजा सम्मान हुआ है अपूज्याम यत्र पूज्यंत पूज्या नाम च व्यती पूज्य है योग्य है श्रेष्ठ है ओला छोड़ करके जब अपूज्य के जब सम्मान होते तो वो जगह तीन चीज जरूर होत्र भविष्य दुर्भिक्षम मरणम व्यथा एक तो जगह मकाल पड़ी कखरो मृत्यु हो ही या व्यथा माने संकट है राजा दशरथ कहत थे कस महाराज मुराम हर प्रकार से योग्य हो गए अब बनाए बहत थे युवराज तोर लेका हर प्रकार से योग्य है वो आई एस परीक्षा पास है तय तो कहा था हर प्रकार से योग्य है आई एस परीक्षा पास माले आज के भाषण कहे तो कलेक्टर बने बोलो पटवारी बनाए कोशिश काब करत जहां पूज्य के अवहेलना करके अपूज के सम्मान करे जाते वह तीन चीज जरूर हो दुर्भिक्षम व्यथा बारे बहुत बड़ा संकट जब तो राम हर प्रकार से योग्य हो गए इस्तीफा दे दे और राम न राजा बना दे दशरथ तो जी तय गद्दी के मुहल झंडछ सियान हो गए अल्लाह हो गए कहा था और राम जो हर प्रकार से योग्य है वो पटवारी बना तो वो ज्वाइनिंग नहीं करे हो पटवारी बना दे अरे आई एस परीक्षा पास होते कलेक्टर डिप्टी कलेक्टर तक के घर चल जाए अतः ची बना एक कारण रही भगवान लेकिन शास्त्र के मुताबिक बताया है पूज्य के अवश्य ही सम्मान होना चाहिए जैसना योग्यता है तैसने वाला नौकरी दे तो हर प्रकार से योग्य है गुरु महाराज लेकिन वो ना ना युवाज बनाता अल्ले ठीक है जा जल्दी तैयारी करके ही अब आप देखिया राजा दशरथ गुरु महाराज सोले पूछ के आई से तो कहा जाते सीधा मुदित मही पति मंदिर गया आए सेवक सचिव सुमंत बुलाए सीधा गुरु महाराज घर ले आई न तो अपन मंत्री है सेवक है सचिव मैं बुला के कहा थे सुना जी कही आज मोर गुरु महाराज मोरबा बड़ा प्रसन्न रही कैसे महाराज मोही कहे वो गुरु राम ही देही आज राम दे गुरु महाराज मोर्बा बड़ा प्रसन्न रही और कहा थे राजन तो राम ले युवराज पद दे दे ता जो पंच ही मत है ला गए नी का करहु हर सिंह राम ही का तो तुह मन के अगर राय हो ही सम्मत हो ही तब सोच विचार भाई सहमति रही ना तो फिर कार्यक्रम लगे बढ़ावो तो बिनती सचिव कही कर जोरी सुना पति अवधपति अवध पति बड़ी सह करोरी अय राजन कतका सुंदर तुम विचार राम के राजाभिषेक के तू कही करोड़ों वर्ष जिया राजन जग मंगल भले काज बिचारा लाई सचिव घलामन महाराज जग मंगल भल काज बिचारा ऐसा तो सुंदर कार्यक्रम मन में सोचे है जेखर से पूरा संसार के कल्याण हो तो ऐसा सुंदर कार्यक्रम है महाराज बोला बेगिया जल्दी करा नाथ बहारा कोई देवी झन कर करा अब एक राजा दशरथ के तय जब रामला राजाभिषेक में जो राजे पद में चल बैठारे बजे अब तय अनुमति ले ले है, गुरु महाराज कही जाओ तैयारी करो बैठाओ उनको मंत्री सचिव मन सब समाज है सर्वसम्मति से पास कर दी कि बढ़िया एक तैयारी कर बे नाथन लाह अबारा कोई देरी करे बात नहीं महाराज जल्दी करा तो दशरथ जी कहा थे राम काल दे राम ल काल राज तो काब पूछे गया जी। सलाह ले है ओहू कहा थे जल्दी करदा सचिव मन कहा थे जल्दी करदा तै सलाह एक बात अब कल करूंगा तो का पूछे बाबू बड़े बड़े सो सब सलाह सर्वसम्मति से पास करा दे मन जल्दी कर तय तो तो अच्छा ले काले कर तो बाजा ला आज ले बजावा थे बाज गहा गा गहा तो बधावा भारी जोरदार बाजा बाजा थे तो काल जब राजगद्दी में बैठा रे तो घर छठी काल हो ही तो बादल आज का है गुरु महाराज मन कहते जल्दी कर बेगी बेगी विलंबन करिए पूछे तो कहे तो है तो भाई सलाह दे तो कुछ पालन कर बे सब सचिव सर्व समर्थ से समर्थन कर दी कि भाई तो जल्दी करो मैं कोई पूछे बात नहीं है तो आप देखिया तो नहीं माना थे काल कर अब बाजा ला काल बजवाते का हो गए तो आज बजवाए परिणाम का हुई ये ख़र बाजा के आवाज ल देवता मन सुंदारी वो देवता मन कहा थे का हो गए जी का के बाजा है जी और राम लगी जी तो आप देखिए देवता मन बड़ा सुंदर मौका मिल गया अगर ये बाजा नहीं बजवा रहे थे एक दिन पहले एडवांस में तो हो सकता थे देवता मल्ल स्वर्ग में पता मत वो नहीं चलती और राम के राज्य अभिषेक हो जाते तो बाजा ला आज बजाए तो सब देवता मन जानदारी रे कहीं का होते का बजाए वो मन जा के माता सरस्वती ले कहा थे विपति हमारी बिलोह की बड़ी तू करिए सो काज राम जाहि बन राज तजी हो ये सकल सुर काज अय मां हमन के काम बने ती बूतल कर वो बाजा बजा के राम ले युवराज पद में बैठा रहा कहते हाँ और कैसनो कर राम जाहि बन राजत तो यो राज ला छोड़ा है अब बन चोर जाए वही महामन के काम हो बन ही बड़ा यल करे कहीं बता कहीं बड़ा सुंदर काम हवे हाँ तब हो ले देवता मन के विचार लेखर बिगड़ जाए बिगड़ जाए देवता मन के कहना हमर काम बनना चाहिए माता सरस्वती कहीं वाह रे देवता हो बहुत क्वालिफाइड है कहीं बड़े पढ़े लिखेगा तुमन मन है ऊंचा विचार है ऊंचा निवास नीचे कर तू होती देख न सक पराय विभूति फटकारी से डांटी फटकारी से ना है बार बार गही चरण सकोच चली बिचारी विबुध मती कुछ बार बार पढ़ना ना मां तोर पां परतन मां जा मां बाध्य हो वो बिचारी कहा कर रहे कह के देवता मंदिर भारी निश्चय लेके मैं जा था घर में बच्चा का उत्सव है तेल में बिगार बुगड़ी के क्या अब वे दौरान देखिया माता सरस्वती हे तुम चली नहीं अब इतनी अब प्यारी चलत गांव बस्ती भल्ला गुल्ला हो गये प्रथम जाई जी ने बचन सुना है भूषण बहसन है तीन पाए रनिवास में जा करके जो पहली बचन सुनाई बढ़िया सुंदर गिफ्ट आइटम मिली सो बढ़िया उपहार मिली और सुमित्रा पूरी मस्त बढ़िया चौक सुमित्रा पूरा थे। और रानी कौशल्या आनंद म राम महतारी दान भी प्रहकार माता कौशल्या नाना प्रकार के दान दे थे ब्राह्मण में तो एक दूझिन बूता कर पता बताए गए तेहू कई के कई नहीं बताए एक और राजा दसरा स्वेच्छाउट त्रुटि हो त्रुटि हो है? अब त्रुटि कहना है उचित नो है लेकिन अब थोड़ा प्रसंग आ गए है तो गोछाई पर जाती देखा बिह होते तो पहली शुरू कन्या हा, दाहिना हाथ में बैठे के पुस्तक ला पंडित जी पढ़त अब कन्या के तरफ से पढ़ते तो बार ल सुनाते सुन रे बाबू सात थी सर दे दे बूता ल बे ते कन्या हा तो बामांगी बनी बताते स्पष्ट रूप से आज विदम्बना ये है कि यही बात ला, हम बरात लेके देरी समय में तो कार्यक्रम होना नहीं बारात भर गई तब महाराज जल्दी निपटाउ जल... हो बने थो कर निपटावा हम जाएगा तो महाराज मौका मिल जाते कहा मतलब तो का मिल ले? ले भाई तो जल्दी है तेला नहीं वो कहे नहीं तो कन्या के बाद जो शर्त है वो ला महाराज बोलते और महाराज बोलते हा कहवा सहमत कथे तब वो लड़की है दाहिना भाग में बैठे उन बामांगी बने प्यार हो तो चल मान ले साधारण आदमी के एक थी ब्याह होते कब में बहन के सूर्तन नहीं है का वचन दे तो है तो महाराजे जो बोले है ते हवा हम दे रहे कि का है जाने। लेकिन राजा तो कई चीज बिहार करे फिर तय बह करे आज सामान्य रूप से सबे जान तो को पावे तो सात सौ तीन रानी कहूम साढ़े छह सौ जौन भी लिखा है लेकिन तीनों कम थोड़े दादा तो नवीनीकरण होते महाराजा पढ़त रही सोही राजन सात थी बात का है मैं बड़ा संक्षेप में बता था कन्या तरफ ले महाराज है तो थे, वो बर थे, जी कोई भी तीर्थ कर वे व्रत करवे पूजा पाठ करवे उद्यापन करवे तो लड़कल कथे तोला ना मूर्ख संग में रखे पड़े ये पूजा पाठ के कार्य मैं तो सहभागिनी री मोला बैठार मुर्स पूजबे सलाह लेबे तब मैं हा तोर मांगी बने प्यार हा। दूसरा कथे जब भी पूजा करना है तो ये से देवता मन के और ये से पितर मन के पूजा करे जब भी करबे ते तो मुड़स पूजब सलाह मोला तय अपन संग में बैठा रे अच्छा जन के रक्षा है पालन पोषण है गौ है इत्यादि जो उन हवा है वो दूध वगैरह हो ही तेहुल बेद बेद का पैसा हुई तो बताए पड़े धन चावल जत का धन धान्य हो थे ओला मोला बताए पर ही कह बोरा हुई सोसाइटी ले दे पैसा लाए तेल धर और तोला मांग मांग के कर दे मैदा तो ऐसे करके सात थी बचन सर तरक्षे हुआ देवालय है बावली है कुआ है इत्यादि खोदवाबे त पूजा पाठ करबे त अवैध राज्यभिषेक करावे तो मोला संग में बैठारे पड़ी और नही संग में पूछे पड़ी पर परदेश जावे चाहे गांव में रेबे फैजाबाद आजमगढ़ जाबे जावे देश में जा के देशांतर जा मोला संग में तो लगे बढ़ी ते अकेला नहीं जाव अब आज हम का रहन नौकरी थोड़ा थोड़ दूर हन ते घर में बैठे रद दे तोला ढीला नहीं छोड़े हे ते वचन दे है तो मेरे पंडित जी सो समाज सो पंडित जी पढ़े है ते जहां भी जावे संग में ले व्यारधा तो वो कह रही अब हम जबरन कहा थे उमेर अब सबके सामने मे अग्नि के सब महापुरुष के सामने वचन दे देता ये माई जात होती जाना नहीं है संग में लेके जाना है और मैं है रबर अबर धांगनी है भामनी और कामनी बने हम है मैं तो तय अपर स्त्री से तो संबंध नहीं होना चाहिए ऐसे साथ ही रखे तो कस राजन, तय तो गुरु महाराज घर चल दे, अपन मन के गए वहां ले आए तो मंत्री सचिव बताए है वो मन सो सलाह ले तो मन के गए और घर वाली मन सो कोई समाचार नहीं कुछ राय नहीं लेना है अर्थान भुला जाते एक बिहा वाला मन कहें तो कई बिहा वाला तो नहीं पूछिस ये नहीं पूछे घला है ना इस बीच में मंथरा दीदी ला मौका मिल गए अब वह मैं जो मनाई शुरू बताई तो उसका फिर कई कई है नहीं रहे आने कमरा मरी सोई तो सुमित्रा कौशल्या तो जानदारी ने मन इनाम घला के ले यही मेरे मौका मिली सुन कही तय मोरे मोरे राजा है मोर बस में का तोर बस में है पंद्रह दिन हो गए तो वाला बताए नहीं है पता नहीं चला थे मैं है तो जाना था ए प्रकार से बाज ही बिधा अपूर प्रमोद नहीं जाई बखाना असकल कहे कब हो है काली विघ्न मना वही देव कुचाली अबे देवता मन के जतका लन फंदे तो उन्हें चलत है कुचाल के बा माता सरस्वती ले भेज गला दे वाइस तो देखी दुखाई सपन पूरा वार्ड म या गांव में सबसे काखर मती है चलाए मान काखर म मा मंत्र जादू है चल ही तो एक ले देखी सोला मंथरा ला हाँ ये बढ़िया दिखा एकरे माध्यम से तो माता सरस्वती हा नाम मंथरा के 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 केरी अजस पिटारी गई गिरा फेरी माता सरस्वती हा ओखरे गिरा अपन जो दिमाग बदल करके वो जल आप ये मन था रहा गुरु मंत्र पागे बाहरी ले जब एनर्जी मिली बैटरी चार्जिंग होई ता ओह देखी से नगर में काके बाजा बाजा थे काके बाजाए वो काके सजावटे ये आदमी मतलब पूछा थे तो पूछे सिलोगन कह वचावु राम तिलक सुनी भावुर दावु राम के तिलक हो यह कहके सुनिस तो खर हृदय जल आप बतावा रे कहे भगवान राम के राज्यभिषेक से पूरा इसे जहां तक मोर जानकारी है जेला दाह होई जलन होई दुख पाई तो केवल मंथरा दीदी दी है बाकी सब प्रसन्न राम राज अभिषेक सुनी ही हर से नर नारी लगी ही सुमंगल सुज सजन सभा विधि अनुकूल विचार सबके ए मंथरा दीदी भर का कही राम हो बैठी गद्दी मरे मोर ले तो वैसा वह काव्य कही थोड़कन समय में बहुत संक्षेप में कथा बता था ये मंथरा दीदी है राजा विरोचन के पुत्री है थोड़कन बोला जान लें के विरोचन को नहीं हिरण कश्यप के पुत्र प्रहलाद प्रहलाद के पुत्र विरोचन विरोचन के पुत्र बलि बलि के पुत्र बानस हिरण कश्यप के बाद वो परिवार में जतका राजा हो गए सज्जन धार्मिक रहे भले राक्षस कुल में रहे लेकिन सब चीज बढ़िया सब एक एक दी बार स्वर्गम कब्जा करदारे इंद्रल हटा के तो विरोचन अब देवता में नीति तेती फाके मस्त घूमत तो इंसनों नहीं मिला है एक रुपया किलो मिला मिलत बड़ा भक्खल रहे जाके भगवान विष्णु ल कही प्रभु हमार समस्या समाधान कर दे, दे भारी दुःखपात तो सुन न कही मैं प्रहलाद ल मैं वचन दारे हाँ बेटा कही तोर बाप के अभी तो हत्या सोल मार डारे कही लेकिन आगामी इक्कीस पीढ़ी तक आओ आगे नोर तो परिवार के आदमी मैं छुआ नहीं मारे है तो दूर के बाद ऐसे कह के, के प्रहलाद जीवन देहे है और प्रहलाद के ही पुत्र है विरोचन हां तो मैं तू मार नहीं सका कहे तो तू नहीं मार सका था महाराज तो कुछ उपाय बतावा तो भगवान विष्णु है तो उपाय बताई तू मन कर करे कही जो बड़ा धार्मिक है कही विरोचन हां सज्जन है जहा तूखर सु वरदान मांगक है जहा चाय नाश्ता के बाद पूछी कैसे आए तो तय देवे तब बताबो तो वो दीही कही वचनबद्ध है बहुत सज्जन है तो काय वरदान मांगो प्रभु कही तो तोर उम्र के वरदान दे अभी के बाद जत तो तोर आगे के समय है दान दे और बात में वह जबान में पक्का रही सपन अपन शेष जीवन ल जत का भी तो मांगे हैं अब के बाद जो शेष जीवन है मैं दान में दे और तत्काल विरोचन मान ओखर पुत्री यही है जो मंथरा है तो उम्र रही सब देवता मन से तो लड़ी झांसी के रानी बन देवराज इंद्र तो भागी सुहाले भगवान विष्णु सब कहत महाराज तो से भारी डने कह मर्द मल एक दिस तो भगवान विष्णु ही कह रही ऐसे करना रे कहे आ तय रहुष्ट रहे स्त्री पुरुष झन देख पाप पूर्ण झन देख जा मार अपन बज्र से प्रहार करी प्रहार होकर तो सुबर निकल गए लेकिन वो पता चल गया इंद्र का मारतीस कही कारण विष्णु हरे गे तो मरत मरत श्राप दी सुन रे कही विष्णु तै मोर बाप ल मारे है कहे मैं जन्म जन्मांतर मैं तोर बाप ल मारे आज वही विष्णु हर राम बने हैं तो पता पागे हर राम तक गद्दी में बैठबे रे ते मौज मस्ती कर मोर बाप ल मरवा तो ऐसे फांदा चली सोखर बाप मर हमार बाप मरे हमारे घर बर्बाद हो गए तोरो बापू करिए मर जंगल तो ये प्रकार से कोई भी चाहे ईश्वर या कुछ मृत्यु लोग माथन ना तो जो जस कर रही सो चाखा इत्यादि सिद्धांत है ये प्रकार से लगभग समय पूरा हो गया इसे लगत है प्रेम से बोलिए लखन श राम चंद्र की जय